नमस्कार मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और हमारे साथ में मेहमान के रूप में मौजूद हैं शिवानी चक्रवर्ती नमस्ते शिवानी खंडवा की बेटी हैं, लेकिन इन दिनों बाज गजवा की भाभी बनी हुई है गजवा वाली भाभी गजवा वाली भाभी गजवा वाली भाभी निमकी मुखिया जो सीरियल रहा है उसके दोनों पार्ट हैं उसके अंदर आपका एक बहुत स्ट्रांग प्ले रहा है लगातार उससे आपने ख्याति अर्जित करी है इसके अलावा हम आपकी शुरुआत की बात करें शुरुआत आपने कैसे की है शुरुआत की अगर बात करें तो एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए इसको को की बात है जहाँ हम आज बैठ के बात कर रहे हैं सुभाष नगर स्टूडियोज़ सुभाष नगर ग्राउंड से ही मेरी फर्स्ट जर्नी शुरू हुई थी मैं ये आप लोगों को बता दूँ <laughs> तो ट्वेंटी फोर न्यूज का जो ऑफिस है वो सुभाष नगर में स्थित है जी 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 तो उसके लिए पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हैं एस डब्ल्यू ट्वेंटी फोर के लिए और मेरे लिए बहुत लकी बात होती हुई है कि मैं उसी जगह पर आके आज आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ और वो भी मेरी जर्नी बताने के लिए जहाँ से जर्नी शुरू हुई है जहां से की तो, की तो ये मेरे लिए बहुत ही यू नो एज एन लकी फील कर रही हूँ मैं तो मेरी जो जर्नी है वो सुभाष नगर की गणेश पांडाल के डांस कंपटीशन से स्टार्ट हुई है, है, है। <laughs> तो कहते हैं ना कि हर शुरुआत हर छोटी शुरुआत एक आपका उसका जो मतलब आगाज़ और वो होता है वो काफ़ी जाती है तो फिर शुरुआत ही श्री गणेश करके हुई थी तो यहाँ पे काफ़ी मतलब गणेश मंडल वाले भैया लोग थे बहुत अप करते थे शिवानी तुम बहुत अच्छा करती हो पार्टिसिपेट नहीं। क्यों नहीं करती हो तुम्हें कहा चलो करते हैं क्या है खंडवा के आ, लेवल में सबसे अच्छा डांस कंपटीशन यहाँ होता था मतलब उस ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो फ़र्स्ट प्राइज़ पाँच हज़ार चार हज़ार मिलना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात होती है तो मैं तो वाह यार चलो फर्स्ट प्राइज़ पे ही टारगेट करती थी और आ, फिर मैंने डांस शुरू किया तो मुझे पता नहीं मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है गॉड गिफ्टेड है तो किया किशोर किशोरदा की नगरी की फैमिली से भी हूँ मैं हाँ और किशोरदा की नगरी में किसी को किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, वो भी बात सही है बिल्कुल सही बात है तो मैंने डांस की शुरुआत करी यहाँ पर मुझे जब फर्स्ट प्राइज मिलने लग गया पहले साल फर्स्ट प्राइज़ मिला वाओ सेकेंड प्राइज सेकेंड साल भी मन हो गया कि करते पार्टिसिपेट सेकेंड भी फर्स्ट मिल गया वाह फिर ऐसे करते करते ये तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि घर का स्टेज हो, स्टेज हो गया फिर खैर मतलब मेरा डांस भी अच्छा होता था बट फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लग गए फिर मुझे भी थोड़े स्टडीज के हिसाब से इंदौर जाना पड़ गया जे जे। तो फिर मैंने सोचा मतलब डांस की जर्नी मुझे ख़त्म नहीं करनी थी एक ब्रेक लग गया था तो मैंने सुभाष नगर में मुझे आज भी याद है मैं शायद लास्ट ईयर कॉमर्स कर रही थी तब मैंने यहाँ पे आके कहा था कि मैं आज पार्टिसिपेट नहीं करूँगी मैं एज एन uh, एक उसको ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ इस स्टेज अच्छा, को तो हाँ हाँ हा। अलग से परफॉर्मेंस बिल्कुल मतलब कंपटीशन चल रहा था बट मैं उसमें एज एन ट्रिब्यूट देने के लिए कि इस स्टेज को मैं छू के जाना चाहूँगी तो मैंने वो लास्ट एक परफॉर्मेंस किया था देवदास के सॉन्ग पे मुझे आज भी याद है और वो बहुत माइंड ब्लोइंग था बहुत अच्छा सबको बहुत अच्छा लगा पर मेरे दिल में एक दुख भी था कहीं कि अब मैं ये कॉम्पिटिशन में नहीं तो करूँगी बट तो पता नहीं क्या हुआ उसके बाद कॉम्पिटिशन्स भी बंद हो गए ये बड़ी दुख की बात है <laughs> मतलब और मैं आप लोगों से कहना चाहूँग रहे हैं उस कॉम्पिटिशन वो जो भी वो मुझे बहुत दुख लगता है और मैं आज इस इस मंच ये मुझे मिला है जरिया तो मैं एक दरख्वास्त करूँगी कि जब भी सुभाष नगर में कोई कॉम्पिटिशन करवाए तो मुझे ज़रूर बुलाए चाहे गेस्ट बुलाए जज बुलाए मैं बिल्कुल आऊंगी और मैं चाहती हूँ कि यहाँ फिर से कंपटीशन हो तो ये मेरी शुरुआत का स्टेज इनशा बिल्कुल तो मेरा शुरुआत तो सुभाष नगर स्टेज हो गया देन फिर मैं बुघी बुगी फिर मतलब यहाँ से बुँगी। मेरी ग्रुप बना जो कि मेट्रो डांस क्लास के जो हेड है रवि फुलमाली जी।, जी उन्होंने मुझे यहीं से इसी स्टेज से उन्होंने मुझे पसंद किया कि मेरी क्लासेस चलती है तो तुम तुम में मुझे वो बात दिखती है क्या तुम ज्वाइन करोगी फिर मुझे पता चला ही वॉज बुगी बुगी विनर ऑलरेडी तो आई वॉज लाइक नहीं अच्छी बात है किसी के सानिध्य में करूँगी तो और अच्छी बात है उनको नॉलेज है ले जाना ले जाने का सो हम लोग कोलैबोरेट हुए डांस प्रैक्टिस शुरू हुई चलो बुगी बुगी का ऑडिशन दिया पर बूगी का ऑडिशन वॉज नॉट ईजी जैसे हमको लगता है कि भाई लाइन्स लगी होगी चले जाएंगे बिल्कुल नहीं हमको बिना खाया खाना पीना हुए हमको 10-12 घंटे हो गए थे और हम जहाँ बैठे वहीं बैठे हॉल में एक कोने में फिर हमने फिर भी हमारा वो जज्बा कि डांस नहीं भाई कुछ करना है तो फिर हमने किया फिर जो हमारा सॉन्ग था वो सिलेक्ट हुआ हमें कॉल आया कि आप लोग सिलेक्ट हो चुके हैं आप लोगों का ग्रुप सिलेक्ट हुआ है तो मैंने सोलो आई गेस नहीं किया था मैंने ग्रुप ही किया था पहले ग्रुप ही किया था वो हमारा सेलेक्ट हुआ फिर हम तीन लोग गए गएगी बुगी, बुगी और जो जर्नी शुरू हुई फिर फिर तो से एक नई जर्नी शुरू एक जर्नी मतलब फिर मुझे पता चल गया कि बुगी बुगी में ऑडिशन देने के लिए क्या करना होता है रभी थोड़ा सपोर्ट मिला ग्रुप जे, का जे. फिर मैंने सोलो परफॉर्मेंस मतलब ऑडिशन दिए तो इस ऐसे तरीके से मैंने तीन बार बोगी बुगी

थोड़ा फुंक कहते हैं ना फुंक पीछे की के, के चाल लेके फुंक फुंक के कदम जी हाँ तो फिर मैं नासिक गई नासिक से मैंने फैशन वर्ल्ड को पहले जाना जैसे कि मैंने एन एफ डी ज्वाइन किया फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है कॉस्ट्यूम्स को लेके एंड आगे मुझे भी काम आ जाएगा शायद तो उस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया फिर वही बात हो गई ऊपर वाले की वो हो गई महर हो गई जो भी हो गई कि मुझे वहाँ मिस नासिक का कंपटीशन का ऐड दिख गया तो मैंने कहा कि कैन आई पार्टिसिपेट मैंने उनसे ही पूछा तो बोले वाई नॉट आपकी पर्सनैलिटी अच्छी। बिल्कुल आप फॉर्म भरो अभी भर के जाओ मैं चलो मैं भरती हूँ फिर कॉल आ गया कि आप सिलेक्टेड हैं तो मिस नासिक के लिए आपके राउंड्स होंगे अब वो राउंड्स हुए आ, फेम एथलेट्स में बहुत अच्छे से हुआ जिमी शेरगिल वगैरह जज थे वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ मुझे क्राउन भी मिल गया मिस नासिक <laughs> बनी फिर तो एक अलग ही खुशी कि मतलब हाँ। मैंने डांस के अलावा भी कुछ अलग फिर एक मन में एक नया उत्साह भी आ गया एग्जैक्टली exactly कि अच्छा मतलब मेरी मंजिल दूर नहीं है मतलब मतलब बहुत दूर है लेकिन दूर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती नहीं ये अचीवमेंट अपन हासिल ही नहीं कर सकते एक एक क्राउन मिलने के बाद एक उस पर एक कॉन्फिडेंस आया फिर मैंने कहा कि अब मॉडलिंग कर रहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बट मुझे थोड़ा मॉडलिंग फिर मैं इसी दौरान मुझे मिस नासिक नासिक को रिप्रेजेंट करने के लिए महाराष्ट्र क्वीन का ऑफर मिला ओ, ओ, तो फिर मैंने बोला अब तो ये लाइन चलो पकड़ लिया हमने तो फिर मैं उस ग्रुप के साथ महाराष्ट्र को इनके लिए नागपुर गई हाँ। प्रॉपर ग्रूमिंग सेशन हुआ मॉडल्स का राउंड हुए सारे प्रैम्प वॉक हुए होता है भी ट्राई किया था हाइट की वजह से कुछ इंच की वजह से मेरा हार्ट लग तो फिर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया मैंने नासिक को वहाँ पर भी कुछ राउंड हुए सीखने को बहुत मिला क्योंकि मैं अमंग सिर्फ अमंग फिफ्टीन कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुई थी वो बहुत बड़ी बात होती है तो मेरे लिए वो एक वही इनाम था और एक यू नो खंडवा से निकल के मैं उसको छोटा शहर हाँ, नहीं बोलूंगी बार बार बट उस समय एक्चुअली छोटा स्मॉल टाउन अभी भी खुले लोग नहीं थे जी एग्जैक्टली exactly, मुझे काफी थोड़ा पारिवारिक माहौल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 किसी को समझ में भी नहीं आता था कि ये क्या है मुझे समझाने में भी काफी वक्त लगा जो कि आजकल के मॉम डैड बिल्कुल समझते हैं मेरे मॉम डैड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है तो फिर मुझे अच्छा लगा मैं कहा ठीक है अब तो आप मुंबई की कोशिश कर सकते हैं तो बस धीरे से मैंने मुंबई की रुख किया आ, देन मॉडलिंग थोड़ा सा मेरा चला क्योंकि मैंने काफ़ी शूट्स किए प्रिंट शूट्स जिसको बोलते हैं कॉस्ट्यूम्स के ये वो काफ़ी होर्डिंग्स वगैरह भी हाँ जी मतलब कपड़ों के वगैरह होर्डिंग्स जो लगते हैं हमारे शहर में लगे भी अभी भी लगे हुए हैं ये वो बट फिर धीरे धीरे मेरा मन हुआ कि क्यों नहीं मैं जो डांस को लेके आई थी उसको फिर से शुरुआत कुछ उसका पता करूँ फिर विथ माई मतलब हेल्प फ्रेंड्स की हेल्प से थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि मुझे कुछ कोरियोग्राफर्स के नंबर मिले कुछ हुआ हुँ, हुँ. मैंने असिस्ट भी किया अब वो सॉन्ग में असिस्ट कर रही थी एक सॉन्ग था देखने में भोला है दिल का सलोना हुँ. पुराना गाना है उसका अच्छा। रिमिक्स हो रहा था राघव सच्चर कर रहे थे काफ़ी अच्छे you know, यू नो पॉप सिंगर है पॉप सिंगर। हुँ. हुँ. तो अब मेरे लिए मुंबई शहर उसको उस गाने को डांस असिस्ट करना किसी के साथ नई सी बात थी बड़ा मजा आया शूट का, मतलब सिखा के अच्छा, एक नई फील्ड भी फिर हाँ मतलब मेरे को सिखाने नहीं को नहीं मिल रहा है अब मुझे मुझे एक्टर्स को सिखाना है वो हाँ। वो वन टू थ्री वो क्या होता है काउंटिंग हाँ, क्या, हाँ, क्या हाँ। होती है सब मैं सर से सीख रही हूँ और जो सिखाने वाले थे वो कोई और नहीं थे फराह खान के खुद के असिस्टेंट थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो ही यूज टू लाइक उनको बहुत पसंद आ गई मैं कि चलो चलो आज तुम ही चलो उनके घर में हम सिखाएंगे मैं कहा पक्का अपने हाँ क्यों नहीं चलो तुम्हारे लिए भी एक इंटर्नशिप टाइप की हो जाएगी हाँ। मैं कहा हाँ चलिए चलिए अच्छा हो गया वो स्टेप्स बता रहे हैं मैं बता रही हूँ ये वो नेक्स्ट जब हम वेन्यू पर गए शूट करने तो जो मेन लड़की थी और तीन लड़की होनी चाहिए थी तीन डांसर्स और मेन लड़की उसमें से एक लड़की का आना नहीं हो पाया तो अब वो जो सर थे उन्होंने मुझे चलो कपड़े पहनो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था ना कि मैं पीछे रहूंगी शायद तो अरे वाइन नॉट तुम्हारी पर्सनैलिटी है तुम इतना अच्छा डांस करती कि अब चलो चलो कैमरे के सामने तुम्हें मौका मिल रहा है और फिर डांस भी किया ही है और बिल्कुल हाँ तुम जानती हो स्टेप्स क्या है मैं किसको खड़ा करूंगा और चलो ठीक है फिट भी आ गए कपड़े तो मैंने कहा क्या हो रहा है ये सब बोलते हैं ना लिखा हुआ होता है बस उस दिन ये सब अपने आप चलने लगती है इस उस दिन से मैं कैमरे के सामने आई और वो गाना भी शूट हो गया बट बहुत अच्छा हुआ उसके बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं आप कर सकते हैं फिर मेरा बायलक लक ये हो गया कि तारक मेहता के लिए ऑडिशन आ गया तारक मेहता जी तो फिर मैंने कहा देते वो भी डांस टीचर का ऑडिशन था डांस टीचर का था वो अनुसार वही बायक हर चीजें ऐसी होती जा रही थी तो मैंने कहा कि नहीं अब ये तो मेरे से ऊपर वाले ने कुछ तय करके रखा है हमारा चलना बस मतलब हमें चलना है बस उस पर हाँ कुछ मत सोचो फिर मैंने उस पर चला तो मुझे ऑडिशंस भी क्लियर हो गए कॉल आया कि आप सिलेक्टेड हैं तो मैंने कहा अरे तारक मेहता के कितने एडिशन किए थे आपने उसमें मैंने किया ये जूली डांस टीचर वाला किया जिसमें मैंने तीन चार एपिसोड एज एन एक्टर काम किया और उसके बाद की कहानी बता रही हूँ कि उनको मेरा काम प्रोड्यूसर सर को मेरा काम अच्छा लगा और उनको पता चला कि मैं डांस सिखाती हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि हम कोरियोग्राफर बुलाएंगे ये करेंगे क्या आप हमारे एक्टर्स को सिखा दोगी तारक मेहता के अंदर बहुत सारे इस तरह के इवेंट होते हैं की और मैं जिस एपिसोड के लिए आई थी उसमें कहानी ऐसी थी कि बबीता का जो बर्थडे पार्टी है उसमें डांस सिखाना है सबको तो इसलिए टीचर बुक की गई थी कि भाई वेस्टर्न डांस किसी को नहीं तो आता है तो जेठा सीखे तो वो तीन दिन का था बट बाद में कि जो वेस्टर्न डांस होगा ना मैडम वो आप ही सिखा दो तो ओ यहां फिर पर्दे के पीछे आ फिर, फिर से पर्दे के पीछे करके भी पीछे फिर मैं चलिए आप लोग अरे बाप रे वही बताने जा रही हूँ मस की जब जेठालाल अब मेरे लिए ऐसा हो गया की मेरा सबसे बड़ा सीन जो था वो जेठालाल जी के साथ ही था जो मैं जूली डांस टीचर बनी थी तो मुझे थोड़ा डर था कि क्या करूंगी क्या नहीं बट कहते ना अपन खंडवा के नगरी की मिट्टी <laughs> के लोग हैं और किशोर कुमार दादाजी <laughs> वाले लोग हैं तो हमने उस मिट्टी का पानी पिया है तो वो कॉन्फिडेंस मुझे था <laughs> और चूंकि मैं स्टेज परफॉर्मर रही हूँ तो वो एक डर कभी भी नहीं रहा मुझे जो झिझक एक हाँ। एक नहीं एक झिझक नहीं रही नहीं वो चीज़ उनको बहुत पसंद आई इनफैक्ट जेठा जी को भी बहुत पसंद आई तो ही वो लाइक तारीफ़ कर रहे थे कि वेरी गुड आप बहुत अच्छा कर रहे हो कुछ घबराना मत आप जैसा बताओगी मतलब सालसा का स्टेप है करके बताओ और फिर हमने इम्प्रोवाइज किया साथ साथ में और आप बिलीव नहीं करेंगे वो सीन एडिट नहीं कर पा रहे था, एडिटर। थे एडिटर अरे क्या बात वो कहते हैं कि मैं हम कहाँ से घटा है कहाँ से करें <laughs> क्योंकि हर पंच मजेदार है हर पंच का चलो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है तो ऐसे करके जो मेरी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई ना इतनी अच्छी है टच आज भी मुझे सब हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब कुछ अभी भी हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं और कुछ भी ऐसा लगता है तो मतलब है जान पहचान फिर तारक मेहता ऐसे एक बार हुआ एक बार और हुआ एक तो डांस सिखा दिया मैंने उनको उनको काफ़ी पसंद आया सॉन्ग सिलेक्ट किया सब हुआ बहुत बढ़िया शूट हो गया बट उसके बाद मुझे ऑफ़र आया काफ़ी सालों बाद क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि आप एक्टर अच्छी हो तो हम आपको छोटे बहुत छोटे रोल्स नहीं देंगे जी। थोड़ा सा फिर से इस्टेब्लिश फेस हो जाए मैंने कहा ठीक है तो मुझे आया वहाँ पर जब आप लोगों को ध्यान हो पता नहीं दर्शकों को पता है जब गोकुलधाम सोसाइटी पूरा रिन्यू हुआ था हाँ, एक वाला काम चला था, था, कलर घर से हुई है, wise, अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा था कि मैं एक चोरनी बनी थी अच्छा, मोना <laughs> करके जिसने बहुत दिनों से नजर रखी थी सोसाइटी पे कि काम चल रहा है ये पैसे वाली सोसाइटी ये सबको पता है तो मैंने प्लान करके मेरे पार्टनर के साथ अच्छा चोरी चोरी करी चोरी करी थी तो सबको परफ्यूम के लेडीज लोगों को हा, 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 फिर मैंने वो किया था तो इट वाज वेरी अच्छा मतलब वो था आई गेस एक आध हफ्ते का पूरा एपिसोड था वो मेरा दस एक एपिसोड से जुड़ जुड़ चुकी चुकी तो है परिवार का जी जी काफी बार हाँ एक रिपोर्टर भी आती है आती है रिपोर्टर लगातार तो ये माना जा सकता है की आप भी तारक मेहता की फैमिली से जुड़ चुकी है जुड़ तो चुकी हूँ आप कह सकते हैं मतलब मैं इंस्टॉलमेंट में आ रही हूँ आती हूँ पर आती जरूर हूँ हाँ। मतलब सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं जो लगातार आते, आते हैं, रहते हैं में जी आते जी जी मतलब उनके नजरों में मैं हूँ अगर कुछ और भी अच्छा होगा कुछ जी, जी, तो मैं मुझे ऑफर करेंगे और मैं तो चाहती हूँ भी करे भी तो क्योंकि कॉमेडी मुझे करना बहुत पसंद है अगर आप मुझसे पूछे कि किस टाइप का किरदार आपको करना पसंद है तो मैं हमेशा कॉमेडी की तरफ एक्चुअल मतलब लोग हमेशा जो एक्टर्स है ना डरते हैं कॉमेडी से जी तो हाँ। उन्हें ये लगता है कि हम कॉमेडी कर, कर पाएंगे, पाएंगे या, या नहीं अगर कर भी लेंगे तो हम लोगों को वो पंच फूटेगा हाँ। कि नहीं वो का ही पूरा खेल होता तो तो है तो ये आप बहुत हिम्मत वाला काम जी इसके साथ ही मतलब तारक मेहता के साथ ही आपने शक्ति एक सीरियल शक्ति उसमें मेरा नेगेटिव रोल था जो की बिल्कुल अपोजिट था तारक और इन सबसे मैंने बिग मैजिक में एज एन लीड भी किया है अजब गजब घर जमाई वो बिग मैजिक जब जी नेटवर्क से जुड़ा नहीं था

अजीब बोल सकते था टफ टफ अजीब हाँ। मतलब क्योंकि उसमें मुझे सीरियल की दीवानी थी मैं मैं जो कैरेक्टर थी डॉली वो सीरियल्स की दीवानी सीरियल, थी। तो सीरियल देखना हाँ। तो उसमें मतलब मेरी नानी ने पूरा उल्टा कर दिया था मेरे साथ कि घर मुझे जाना था सीरियल वाली बहू की तरह घर बसाने पर हमारे घर में होता है जमा ही आता है उल्टा तो मैं पूरे टाइम मतलब कहती थी मेरे हस्बैंड को कि मुझे तो मुझे अक्षरा जी और पार्वती जी बनना है और आप कहाँ जमाए घर में बन के बैठे हैं तो मैं हमेशा वही उनकी तरह पल्ला लेना ये ये वो ये रिश्ता की साड़ी पहनी हूँ आज मैं आज मैं ये पार्वती बनी हूँ आज मैं तुलसी बनी अच्छा। हमेशा वो किरदार में रहती थी उनदारों में तो वो मुझे बहुत कठिन क्यों हो रहा था मतलब कठिन इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे लाइन्स जो मिलती थी ना वो सीरियल्स के नाम पर मिलती थी कि कैसा है ये संजोक आप हमसे जा रहे हैं दूर तो ये अच्छा है तो कसम हमारा उसी हाँ होते थे। तो मेरे तो पसंद तो बड़ा मुश्किल होता है और साथ में कॉमेडी भी करना है और ओ वाला कॉमेडी था ऐसा नहीं कि सिंपल एक पंच मार दिया हो गया बॉडी वाला जो कॉमेडी गिरना हंसना उसमें वो था तो आई वॉज लाइक यार ये तो पर मुझे सीखने को बहुत मिला इस वजह से जैसे हिमानी जी थे हमारे साथ, जो मेरी हाँ, रही थी, वो भी इन लोग सब थोड़े अरे बहुत अच्छा कर तो ये कर ले इसकी जगह तो हमको सजेशन भी मिलते गए सीखते भी गए और एक तरीके से वो हमारा क्लास हो गया मतलब वो एक डेढ़ साल मैंने टीचर के रूप में क्लास हो गई कि ठीक है भाई एंगल्स कैसे होंगे कैमरा कैसे होगा मैंने एक वो वो जर्नी जी ली कि एक शो को किस तरीके से किया जाता है प्रॉपर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और शक्ति फिर मुझे मिला हाँ। तो शक्ति में मेरा बिल्कुल अपोजिट जिसमें मैं थोड़ी सी बबली नेचर की लड़की थी बट थोड़ा यू you नो know, मन में जो एक रिवेंज लेके हाँ। थोड़ा हीरो को हीरो ने शादी नहीं की मंडप पे से छोड़ हाँ। गया हाँ। प्रॉपर ड्रामा वाला हाँ। तो वो कैरेक्टर था बिल्कुल सिनेमा वाला कैरेक्टर था उसके बाद फिर मैंने ये निमकी मुखिया मुझे मिला और निमकी मुखिया की भी कहानी बहुत अच्छी है कि मेरा ऑडिशन यहाँ से गया था खंडवा से अरे मैं जा नहीं पाई थी उधर कुछ किसी चीज़ की वजह से मेरा दो तीन दिन बाद जाना था लेकिन उनको उनका डिमांड था कि आप टेप भेज दो थोड़ा सा जल्दी लॉक करना है इस कैरेक्टर को तो आप टेप भेज दो अब मुझे वहाँ से रिक्वायरमेंट आई कि क्या करना होगा भले पहला तो आपको थोड़ा सा साड़ी वाला लुक लेना है थोड़ा हैवी गांव वाला कैरेक्टर है और घर की मुखिया मुखिया फैमिली से आप हो बड़ी बहू तो वो हुँ। एक हुँ। मतलब और होना हा, चाहिए और एक लैंग्वेज जो कि हम लैंग्वेज वाला इसके अंदर बहुत बड़ा तो हो रहा है तो हम चाहेंगे यहाँ से आप थोड़ी सी जब बात कर रहे हैं निमकी मुखिया वाली मतलब मैंने किसी भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ है किसी भी इवेंट में या शो में मैं गई कि मुझसे ये नहीं बोला गया कि आपने लैंग्वेज पे कैसे वर्क किया या वो बोली जो है बड़ी मीठी है बहुत हाँ, बड़ी तो, अच्छी लगती है तो हमने उसपे तो ऑडिशन हाँ, मतलब हाँ हिंदी भाषी जो क्षेत्र है और ऊपर से मैं बंगाली मतलब हूँ तो उस और कठिन हाँ, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा कठिन हो तो मुझे कहा गया था कि आप उसपे थोड़ा कर सकती हो तो टेप तो भेज दो मैंने भेजा घर पे जैसे-जैसे इट्स ओके okay, चलो, <laughs> फिर मैंने वो लहजे को पकड़ा जैसे कि हम थोड़ा बहुत अमिताभ जी को और इनको सुनते जी, रहते हैं कुछ कुछ सीरियल्स में बिहारी जो टोन, टोन मैंने वो पकड़ा <laughs> फिर सबसे पहले तो मैंने प्रे किया कि क्या पता होगा नहीं होगा तो दूर की बात है क्या बोल रहे हैं फिर मुझे रिवर्ट आया कि उनको अच्छा लगा है सो so, तुम जब मुंबई आओगी तो प्रॉपर एक बार हम मिलते हैं चलो ठीक है फिर तो मेरा सिलेक्शन सिलेक्शन ही ही मॉक शूट हुआ पूरा फिर मेरा ही हो गया कितना बहुत लंबे से, वो से विधायक बन गई वो, वो चला और अब लास्ट में हमने जो कम्प्लीट किया उसमें सीएम कि ऐसा भी कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो क्योंकि दर्शक लोग तो हमेशा मेरे फैंस मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या इसका का आगे का पसंद किया गया निम्की मुखिया सीरियल बच्चे बच्चे की जबान पर जी जी वो एक्चुअली तो उसमें उसमें भी जो सारे कैरेक्टर हैं वो बहुत, बहुत मजे हुए मतलब ऐसा लग रहा ये है ये आपने बहुत सही हर कोई उस, उसमें कर बिल्कुल, रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बहुत सही पकड़ा है कि उसमें एक्टर्स बोलते हैं ना जैसे स्माइल चाचा स्वीटी मेरी सास, सास ससुर मतलब हर किसी को चुना है तो है तो लगता वो वही है वो वही है उसी कैरेक्टर के लिए बने हैं जैसे पहले उसके अंदर एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली वहां आपको काम करना कैसा लग रहा है मतलब आपको ये बता रही हूँ मैं अब मेरे साथ कभी कभी होता है ना कि आप अच्छी जगह पे चले जाते हो तो फिर दूसरी जगह जाने की आपकी इच्छा नहीं होती।, नहीं होती जैसे हम घर छोड़ के बोलते हैं घर छोड़ के दूसरे शहर जाना कितना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए अभी वो हो रहा है जैसे तारक मेहता की एक एक फैमिली है वैसे ही मेरे लिए वाली ये एक हो गई है बिकॉज मैं उनके साथ मतलब पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह घंटा हमने बिताया है एक ही रूम में एक ही सेट पे तो वो जो एक फीलिंग हो जाती है और साथ में इतने अच्छे लोग जो हमारे सर हैं प्रोड्यूसर सर जमा हबीब मतलब वो एक फादर फिगर है मतलब उन, उनके साथ बात करके उन, और वो लेखक है मतलब मतलब क्या बोलो मैं बहुत ही उमदार लेखक है वो नहीं। नहीं। तो उनकी जो राइटिंग स्किल्स हम जो आज है ना वो उनकी वजह से क्योंकि एक किरदार जो लिखता है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मतलब गजवा वाली क्या करेगी वो लिख रहे हैं हर किरदार को अलग हाँ मतलब गजवा वाली का ऐसा होगा एग्जैक्टली तो उनको ऑफ है हम उनकी वजह से बने एक एक किरदार निम्कि का उनकी वजह से बने तो मतलब सर ने जैसा लिखा है कि कैरेक्टर को उसी के बदौलत हम लोग आज हैं तो जैसे कि हमारे जितने भी एक्टर्स थे कुछ लोग थे बिहार बैकग्राउंड के थे यूपी वगैरह के पर हम लोग नहीं थे तो अब मतलब अच्छा, उस टीम में बहुत सारे लोग थे, थे उस बैकग्राउंड से थे जी 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 मतलब जो मेरी सास प्ले कर रही थी पहले गरिमा जी वो भी थी इलाहाबाद की नेक्स्ट वो चेंज हो गई थी उसके बाद जो सास बनी नीलिमा जी वो भी बिहार से पटना से तो मेरी दोनों सांसों का तो मतलब था उसमें बहुत होल्ड था फिर जो हमारे ससुर जी थे विजय जी वो भी थिएटर आर्टिस्ट है बहुत बड़े एक्टर्स वो, वो तो मूवीज भी करते हैं तो, तो उनसे भी सीखने को मिला ऐसा होता है ना ग्रुप जब अच्छा होता है हाँ। तो, तो आपको एक टीचर आप मिल जाता एक, है है मतलब ऊर्जा हाँ। भी मिलती है वहां से। जी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल सारे हंसी मजाक और जो निमकी हमारी निमकी थी भूमिका वो तो तूफान मतलब मतलब वो हकीकत में ही तूफान है वो जैसे आपने उसको कैरेक्टर में देखा है वो वैसी ही है मतलब इतनी मस्ती कोर्स सेट पे सबको हंसाना मस्ती करना मतलब हम मैं कह रही हूँ ना हम लोगों ने एक एक दिन बहुत अच्छे बिताए और मेरे रूम बैठना जो थी वो मेरी ननद जो थी स्वीटी हम दोनों रहते थे हम दोनों एक ही टाइप के लोग तो हम दोनों की मस्ती अलग चलती थी की अलग मतलब एक एक जन बब्बू मेरा जो हस्बैंड प्ले करता था डब्लू मतलब एक एक जन मतलब ऐसा लगता है कि

तो उसमें आ, मेरा लुक जो है डिजाइनर ने डिसाइड किया था कि इस इनको हम झुमके भरे देंगे भले सिंपल लुक रखो लेकिन झुमके हाँ। और वो झुमके मतलब मेरे सेट पे मुझे सब चिराते थे डायरेक्टर <laughs> सर भी मतलब जब एक्शन होता था ना झुमके <laughs> को तभी गिरना होता <laughs> तो, संभालना मुश्किल जाता मुश्किल हो जाता है मतलब धाम एक्शन धाम तो सब मुझे गजवा वाली तुम या तो झुमके संभाल मतलब एक दो या फिर बहुत इंटेंस सीन चल रहा है सब डायलॉग बोल रहे हैं बहुत मारा पीटी चल रही है और यहाँ मैं खड़ी और टप <laughs> मतलब फिर कट करना पड़ता होगा फिर, फिर कट करना पड़ता था बट ठीक है सब वही कहते थे भैया ये यूएसपी है गजवा वाली की तो इसको बरकरार रहने दो कोई बात नहीं पहनो टाइम ले लो अच्छा मतलब थोड़ा सा आप तो के टाइम में थोड़ा सा बोलते बताइए ना हमारे <coughs> अब देखिए कहाँ है ना कि हम आ गए हैं खंडवा शहर में अब रहते तो हम कुरसावापुर में लेकिन हम जन्मे यहाँ पे है और ये जो नगरी है ये किशोर कुमार की है मालूम है ना और वो हमारे रिश्तेदार भी हैं तो कहा है हम थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं बोल बोल के और सब लोग थोड़ा अच्छा रहिए दिवाली है और ये जो कहा है भाई ये सर बहुत बेकार है ये कोरोना।, कोरोना अब हम मास्क लगा लगा के जो हैं इतना थक गए हैं कि कहाँ बताए आपको लेकिन एक हम बात बताएँगे बिना मास्क के कहीं जाइएगा नहीं का है कि ये जो का है ये करोना करोनवा ये बहुत ही खतरनाक है भाई हम तो नहीं खास पाएंगे इसलिए सुरक्षित रहिए घर में रहिए ठीक है, है? <laughs> है बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया इसके अलावा भी और कोई सीरियल से ऐसे जो उल्लेखनीय जी अभी चर्चा करना चाहे जैसे कि मैंने शक्ति का कहा वो किरदार बहुत अच्छा था स्ट्रॉन्ग था मतलब एक अलग मतलब अलग बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैंने हाँ किया वो कैमियो रोल था ऑल दो बट वो जाने वाला था कुछ ज्यादा लंबा बट क्या होता है ना कहानी कभी भी चेंज हाँ। और वो होती रहती है वो हमारे भी हाथ, भी हाथ में नहीं मैंने उसमें भी अपना बेस्ट प्रोड्यूसर उसमें कुछ कर लेते कर लेते है। लेते हैं वो हो जाता है उनको लगता है कि अब इससे लेके आते हैं उससे लेके आते हैं तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव होने ही वाला था बस स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई नहीं तो मैं और ज्यादा कर मतलब उसमें और दर्शकों को मैं थोड़ा सा मतलब अपनी चीजें बता सकती थी हाँ क्योंकि बहुत अच्छा जा रहा था और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है शक्ति का और शक्ति से याद आया जो निमकी का कंसेप्ट था हमने ये तो भाषा हो गई चलिए कैरेक्टर किरदार हो गया सब हो गया लेकिन जो मेन मुद्दा था नीम की मुखिया का वो बहुत अच्छा था क्योंकि वो नारी हाँ, नारी सशक्तिकरण का था वुमेन एम्पावरमेंट तो वुमेन में अभी सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है लाइफ में हाँ। दुनिया में कि नारियों को भी अबला नहीं वो सबला है। सबला है जी मतलब नारियों को भी कोई न... हा, हम ये चाहेंगे कि मतलब आप संदेश दें हमारे दर्शकों को नारियों को लेकर के नारियों को तो बिल्कुल मैं नारी के शक्ति के बारे में तो ज़रूर बोलूंगी क्योंकि मैंने शो ही नारी बेस्ड किया हुआ है नीम की मुखिया जिसमें कि एक लड़की ने किस तरीके से अपनी जर्नी मतलब एक ऐसी लड़की जो शायद लोगों को लोग उस, उस जगह को छूते भी नहीं थे हा, हाँ मतलब छोटी जाति ये जाती हाँ। उसको बहुत फेस करना पड़ा उसने तक ये एक मुखिया से टक्कर लेके दिखा दिया कि नहीं मैं छोटी दिखती हूँ पर छोटी हूँ नहीं।, नहीं तो आप लोग भी ये ही ध्यान रखिए और मैं हर 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 घर की नारी को ये संदेश देना चाहूंगी कि बिल्कुल आप लोग अपने अंदर की जो शक्ति है उसको मरने मत दीजिए और नारियाँ क्या नहीं कर सकती है आप सब मतलब नारियाँ तो फाड़ रही है यार आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो दुर्गा भी नारी है तो आपको तो डरना ही नहीं है और जितनी भी चीज़ें हैं मतलब लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो नारी से ही है मतलब नारी ने ही हमें सांस दी है तो फिर तो आप लोगों को डरने की बात ही नहीं होनी चाहिए आपने ज़िंदगी दी है तो बस लड़ते रहिए खुश रहिए और मस्त रहिए हम यही बोलेंगे कि मस्त रहिए टकाटक तक रहिए और खूब इंजॉय करें शिवानी से हमारी बातचीत जारी रहेगी हम आपसे थोड़ी देर में फिर मिलते हैं रेडियो अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेना चाहते हैं तो खुशलानी रेडियो से बेहतर कोई नहीं खुशलानी रेडियो में आप फेमस और ब्रांडेड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ढेरों वैरायटीज़ प्राप्त कर सकते हैं और मोबाइल्स में खुशलानी रेडियो पर आप पाएंगे मोबाइल फोन्स की फुल रेंज अपने मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए खुशलानी रेडियो पर है जीरो परसेंट फाइनेंस की सुविधा एवं तुरंत बजाज फाइनेंस की सुविधा साथ ही हर प्रोडक्ट्स पर है निश्चित आकर्षक गिफ्ट पाउचर विगत साठ वर्षो ऐसी से आपकी सेवा में खुशलानी रेडियो हमारा एड्रेस है खुशलानी रेडियो बॉम्बे बाजार खंडवा कॉन्टेक्ट करे नितिन खुशलानी मोबाइल नंबर नाइन एट टू सिक्स थ्री नाइन वन टू थ्री फोर उत्सव के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग करिए नेशनल ऑटोमोबाइल के साथ नए दौर की सवारी नेशनल ऑटोमोबाइल आपके लिए लाया है तीन हजार रूपए का कैशबैक और पाँच हजार रूपए तक का एक्सचेंज ऑफर दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप पाएंगे सभी वाहन की सर्विसिंग सुविधा कोरोना योद्धा के रूप में विशेष छूट प्रत्येक गाड़ी पर 10 लीटर पेट्रोल फ्री प्रत्येक गाड़ी की खरीदी पर उपहार कोई भी पुरानी पेट्रोल गाड़ी लाएं और ले जाएं ई बाइक ब्रांच नेशनल फैशन हब के पास हरिगंज रोड खंडवा शाखा मुगट थाने के सामने फ़ोन नंबर ज़ीरो सेवन डबल थ्री डबल टू टू नाइन सेवन एट फाइव अमृत ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं दिवाली धमाका सभी कंपनियों की गाड़ियाँ आसान किस्तों के साथ फाइनेंस सुविधा के साथ नई गाड़ी लेने पर दो हज़ार तक की छूट पांच सर्विसिंग फ्री और पांच साल की वारंटी तो जल्द आइए और अपने घर ले जाइए नई बाइक हमारा पता नर्मदा झाबुआ बैंक के सामने पुनासा रोड मूंदी मोबाइल नंबर नाइन फोर टू फोर जीरो वन एट वन एट थ्री एट वन सिक्स जीरो डबल ज़ीरो टू डबल वन दीपावली पर्व की अमृत ऑटोमोबाइल्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं साथ में हैं शिवानी चक्रवर्ती हम आगे बात करेंगे स्ट्रगल को लेकर के अभी जो फिलहाल जो कोरोना काल चला है कोरोना काल से फिल्म इंडस्ट्रीज पे कितना असर अच्छा पड़ा है

बड़ी छोटी जगह से मतलब लाइट्स में काम करना कैमरे के पीछे काम करना मतलब सिर्फ हाँ। एक एक्टर एक सामने खड़ा हो जाता है तैयार होकर नहीं उसके पीछे, पीछे बहुत बहुत सारा काम इतने लोग है, होते सारे है, लो, हैं बोड़े मुझे बोड़े उनके लिए मतलब तकलीफ होती है जब एक जब एक शो ऑफेयर होता है ना तो दुख मतलब हमको तो होती है लेकिन उसके पीछे जो पलट के आप देखोगे तो पूरा सेट जो है उनका जो चेहरा होता है वो पूरा बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है और बिल्कुल हमको मतलब ऐसा प्रेजेंट करने में ज़्यादा हाथ ये, तो, ये तो चलिए ये छोटे सी बात हो गई मतलब छोटे से मतलब ये लोग अपने आप को फिर भी संभाल लेते हैं लेकिन जी कुछ बड़े एक्टर्स डिप्रेशन में आए जी बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये एक बहुत हिलाने वाली हिलाने वाली बात है और बात क्या है ना कि अगर हम ऐसे देखें कि मतलब डिप्रेशन और सुसाइड और इस पर हम बात करें तो काफी लोगों का एक मिथ है एक मानना है कि इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है तो मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूंगी शायद मतलब मेरे हिसाब से अगर आप पूरी दुनिया में आपको तो नहीं पता ना कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो आपको इंडस्ट्री इसलिए दिखती है क्योंकि वो हम दिखते हैं हम पब्लिक फिगर जी हम पब्लिक फिगर है तो हम दिखते हैं तो आपको खबर मिल जाती है लेकिन कितनी जगहों पर कितने फील्ड में घरों में कितने हो सकता है नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस में एक पत्नी आत्महत्या कर रही है हाँ, पति कुछ हाँ, कर दे रहा है कोई मर्डर तो वो दिख के नहीं आता है बस बाकी फिर एक क्या हो जाता है ना एक लोगों को एक मतलब मुंबई खराब है नहीं या नहीं फिर, फिर इंडस्ट्री खराब है फिर खबरों में भी वही सारी चीजें फिर वो लगती उसको लगातार लगातार वो एंगल दिखता है कि इंडस्ट्री खराब है तो आप कैसे काम करते हो लोग भी हैं जैसे आपके सूद जी। अब तो हाँ उन लोग मोटिवेट भी जी करते जी हैं ऐसा नहीं हैं, कितना मतलब हैं। है कितना काम किया तो मेरा एक मतलब कहना है हमेशा से मैं ये बोलती पता निराशा वगैरह सिर्फ इस फील्ड में फिल्म में नहीं होती है ज्यादा भी नहीं होती है आप ये भी मानती है मतलब वो एक धारणा बनी है वो एक धारणा बनी है मतलब कि मतलब आप फिल्मी लाइन में हो या आप आ, आ, सीरियल पे हो या जो भी इंडस्ट्री आपकी जो है ये उसमें हो तो फिर आप तो बहुत टेंशन में रहते होंगे क्या चलता है बहुत स्ट्रेस में मैं बोलती हूँ कि आज एक शिक्षक को भी उतना ही स्ट्रेस है जितना एक एक्टर को है एक शिक्षक को भी है जो भी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं भाई उसको अपना घर चलाना है अगर अगर स्ट्रेस से कोई सुसाइड कर रहा है तो सभी को है तो सभी को है तो फिर मेरा मानना है ये एक पर्सनल होता है इंसान का कि वो कितना ले पा रहा है चीजों को और कितना नहीं ले पा रहा है मतलब उसकी लाइफ like, अगेन मैं बोलूंगी कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति होती है फैमिली हाँ. अगर का फैमिली तो का है। है। मतलब आपको बिल्कुल पहले दिन से जैसे की मैं सुभाष नगर के स्टेज पे अगर मैंने डांस किया है तो वो भी मेरे माँ बाप की वजह से ही किया जाओगी एक स्टेज पेगी उन्होंने मुझे अगर वही रोक लिया जाता क्या तुम खंडवा के स्टेज पे गणेश मंडल मैं एक बता रही हूँ लेकिन उन्होंने उस चीज को भी बहुत लेवल अरे नहीं क्यों तुम्हारा टैलेंट है कब करोगी कब दिखाओ फिर अरे कहा मुझे तो उन्होंने जाता है अच्छा कर लिया ना छठ आठवीं तक कर लिया ठीक है नाइन्थ तक कर लिया मतलब ये भी होता है कि अभी तो छोटी अभी करेगी नहीं करेंगी। उन्होंने उसमें स्टॉप लगाया नहीं कभी फुल स्टॉप नहीं लगाया कहा कि सुभाष नगर का खत्म हो गया बुगी बुगी जाओ भुगी सानिया मिर्जा की जब भी बात आती है तो उनके साथ में उनके उनके मम्मी के बात भी आती है वो हमेशा साथ में जी जी बिल्कुल तो शुरू से वैसे ही मेरे फादर मेरी मॉम एकदम बिल्कुल मैं आपको जो ऑडिशन की बात बताई थी बुगी बुगी में जो लंबी लाइन और हम जो बिना खाए पिए देखिए हम तो यंगस्टर हैं और हम बैठे रहेंगे एक बड़ा पाव भी मिल जाएगा ठीक है उस दौरान पापा भी मेरे साथ थे तो सोचिए उन्होंने भी छू तक नहीं करी कि यार पानी पिला दो खाना क्या क्या तुम लोगों <laughs> के साथ मेरे वो भी बेचारे पैर फोल्ड करके जहाँ बैठे हैं जैसे बैठे हैं मतलब उन्होंने मेरी तो ऐसे ही आज तक मुझे जो घर से सपोर्ट मिला है वो तो काबिल तारीफ मतलब अगर एक इतना मतलब हार हार गई हूँ ऐसा बोलने भी नहीं देंगे वो मुझे आ, कि ये क्या होता है ये शब्द नहीं होता तुम्हारी डिक्शनरी से ही हटा दो तो ऐसे आपके फैमिली और फ्रेंड्स कुछ ऐसे मजबूत पिलर होने चाहिए लाइफ में जो आपको ये सब कदम उठाने नहीं दे हर किसी को बोल रही हूँ मैं सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं सभी के लिए हर फील्ड में अगर आपका कोई सुनने वाला हो जहाँ बैठ के बात हर प्रकार की जो आपको जज नहीं कर रहा हो वो सुन लेना तो आपको ऐसा लगता है इट्स ओके okay, चलो कल का दिन ऐसा था, आज का दिन ऐसा था, निकाल लेंगे मतलब जो नहीं निकाल पाता है ना उस वक्त को वो फिर ये कदम उठा लेते हैं और कुछ नहीं है तो बस चलिए आप तो बहुत हिम्मती लड़की हैं बस तो, वही चाहूंगी हिम्मत बरकरार रहे और आप सब लोगों का सपोर्ट है और खंडवा शहर वाले तो ऐसे में भी थोड़े से यू नो हाँ कहीं पर भी थे, कि नहीं नहीं वो तो डर, डरे। गलत गा, गा लेते तो वो मस्त वाली चीज होनी चाहिए इंसान को खुद ने पागल होना होना चाहिए ठीक है जो होगा देख लेंगे हम तो पागल है तुम देख रहे हो तो देखो मत देखो मत देखो तो खंडवा पहला आपका स्टेज पहला स्टेज आपका खंडवा है जन्मभूमि खंडवा है जी आप हमारी नज़र में स्टार हैं और आप और बड़ी स्टार बने थैंक यू और इसके साथ ये भी कहेंगे कि आप खंडवा को ना भूलें जिस तरह किशोर दा अंतिम समय तक के खंडवा हम भी चाहेंगे कि आप और आपकी तरह जितने भी ऐसे लोग हैं कलाकार हैं या बड़े बड़े जो भी पद पे गए हैं हाँ, सब मतलब खंडवा से उनका जो जुड़े है वो कभी खत्म नहीं होता है वो तो होगा ही नहीं कभी नहीं होगा खंडवा शहर खंडवा एक पता नहीं उसमें क्या लगाव है कि कुछ तो है बहुत कि यहाँ से गुजरती भी मतलब लाइक मतलब मुझे सनावत में, में मेरा प्रोग्राम था लास्ट ईयर तो मैंने सोचा सनावत आ रहे तो खंडवा क्यों नहीं खंडवा तो वो मिट्टी खींच ही लेती है आपको तो वो तो भूलने वाली बात ही नहीं है जैसे की मेरा किरदार गजवा वाली था लेकिन मैं हूँ खंडवा वाली <laughs> तो ये टैग मैं हमेशा ही रखूंगी अपने साथ उसके लिए कोई बड़ी बात चलिए तो धन्यवाद शिवानी जी आप हमारे so साथ में जुड़ी आपने हमारे दर्शकों से इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात है थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन ही पहला स्टेज था पहली जर्नी थी और पहला स्टेज ही मेरा सुभाष नगर है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती तो थैंक यू सो मच तो हमारे साथ शिवानी चक्रवर्ती मौजूद थी यहाँ पर बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करी उन्होंने आप सब से तो धन्यवाद शिवानी जी इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त हम मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ में